लाबरिया माही डैम पर आज एक बार फिर धार झाबुआ जिले के हजारों लोग इकट्ठे हुए तथा विगत 10 वर्षों से चली आ रही लंबित मांगों के निराकरण को लेकर शासन व विभाग पर नाराजगी व्यक्त की। मांगों के निराकरण को लेकर विधायक वेलसिंह भूरिया को मौके पर बुलवाया गया तथा उन्हें अपनी विभिन्न 13 मांगों का ज्ञापन दिया, जिसमें प्रमुख रूप से हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते हुए हमारी मांगों को लंबित किया जा रहा है। 50 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि डूब में आने से 173 परिवार के लोगों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला और न ही सर्वे हुई। इस संबंध में विधायक ने बताया कि आपकी मांग जायज है, मैं उचित कार्रवाई करने का आश्वासन देता हूं, और कहा कि 18 अगस्त को राजगढ़ में मुख्यमंत्री ने डूब क्षेत्र संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात करवाकर बजट पारित की मांग की जाएगी। विधायक ने कहा कि आपने मुझे अभी तक नहीं बताया, बिन मांगे माँ भी बच्चों को दूध नहीं पिलाती। आपने मुझे बताया, इस संबंध में मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही मिलकर के सरदार सरोवर के सम्मान मुआवजा दिलवाने का प्रयास करूंगा। इस अवसर पर अध्यक्ष मूलचंद कटारा, कार्यवाहक अध्यक्ष वागजी मेड़ा, सचिव गोपाल पुरोहित, कोषा अध्यक्ष नाथूलाल पुरोहित, मंडल अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी, सरपंच नंदराम मेड़ा सहित धार झाबुआ संघर्ष समिति के हजारों लोग उपस्थित थे। लाबरिया माही डैम के माही मुख्य बांध के डूब प्रभावित लोगों के द्वारा मुझे उनकी सभा में बुलाया गया था। इनका उद्देश्य यह है कि हाईकोर्ट के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, उसके तहत मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज जी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये लोग डूब प्रभावित लोग मांग कर रहे हैं कि इनको कोर्ट के निर्देशानुसार जो वाजिब मुआवजा तय हुआ है वह पारित कर इनको दिया जाए करके मुझे ज्ञापन दिया है इन्होंने। मैं 18 तारीख के दिन शाम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मांग करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी सरकार इनको डूब प्रभावितों को उचित मुआवजा दे, उसका मैं प्रयास करूंगा। मैं विधायक सरदार